ये पर्दा करना, स्कार्फ करना, सब कुछ दिखावा है। असफत से मोहब्बत करती हूँ। लगता है कि ताई तुम्हारी और मेरी मंगनी करवा कर पछता रही है। मानती हूँ कि मैं असफत से मोहब्बत करती हूँ। देखा नहीं है कि चची ने बातों बातों में अपने दिल की बात कह दी। अल्लाह की खातिर मेरी बेटी की दिल आजारी की उधर। मुझे सी नहीं बल्कि उस आयशा जैसी बहू चाहिए थी। किसी से अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा? खराब हो गया, अपनी बकवास बंद करो। बकवास मैं नहीं। आयशा का रिश्ता टूटने पर उसके वालिद को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो मुतमईन होता है आयशा के फैसले पर। वही अनुशे को यास्मीन की बात बहुत नागवार गुजरती है कि वो ये कहती है कि आयशा जैसी बहू चाहिए उनको, जिस पे अनुशे असफत से ये कहती है कि शायद ताई जान को हम दोनों के रिश्ते से खुशी नहीं। आयशा की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है क्योंकि एहतशाम उस पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये रिश्ता तुमने जानबूझ कर तोड़ा है, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन आयशा उसे खूब बातें सुनाती है। वही अनुशे आयशा को से बात करते हुए सुन लेती है कि वो असद से मोहब्बत करती है लेकिन कभी उसको नहीं बताएगी। ये सुनकर अनुशे का रिएक्शन क्या होने वाला है, देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर